टूल्स इन्फो 1232 के सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हम कंप्रेशन टूल, क्रिम्पिंग टूल और उसकी पूरी सीरीज़ में यहां पर लेकर आया हूं कि आज वायरिंग और ऑटोमोबाइल्स के वायरिंग के लिए और इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए जब हम कनेक्टर्स लगाते हैं या पिन लगाते हैं तो उसके लिए अलग अलग टाइप के ऑप्शन अवेलेबल है और उसके लिए जो क्रिम्पिंग टूल की हमको ज़रूरत होती है, जैसे ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 2.5 mm को यहाँ पर क्रिम्पिंग किया है, बढ़िया तरीके से हो जाता है। गियर सिस्टम है और ये सारी प्लायर्स, तकरीबन 3 प्लायर्स है अलग अलग टाइप के जोज वाली, और उसके बाद सबसे बड़ी जो हाइड्रोलिक गन है इसके अंदर वो भी मैंने बताई है, जो कंप्रेसर एयर से चलेगी। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मगर फिर भी उससे बहुत हैवी प्रेशर जनरेट होगा और 300 mm तक के, यानी 300 mm तक के जो भी क्लैंप या कनेक्टर्स होंगे उसको वो ये कर सकेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रीशियन और अपने जो भी टेक्निकल दोस्त हैं उनको इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको अगला वीडियो किस प्रकार का चाहिए वो भी आप हमें बताइए कि आपके फेवरेट टूल्स कौन से हैं, या आपको किस टूल के बारे में जानकारी लेनी है, या आपकी डिमांडेड वीडियो कौन से है वो हमें ज़रूर बताइए। और बे इंतहा प्यार मिल रहा है दोस्तों, आज ही अभी 33,000 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट किए हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा व्यू हुए हैं और हज़ारों घंटे आपने हमारी चैनल को और हमारे काम को सराहा है। फिर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है और हम धीरे धीरे इस काम को भी इम्प्रूव करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपका साथ बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपका वक्त नहीं लेता हूँ और जल्दी से जो भी टूल्स और आइटम्स लेकर आए वो मैं आपको बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है, थोड़े हम बिज़ी हो गए थे, तो आज उसी के लिए हम एक आपके लिए बहुत ही ढूंढ के और बहुत ही समझ के एक नया टूल लेके आए हैं, क्रिम्पिंग टूल की एक पूरी रेंज लेके आए हैं। क्रिम्पिंग टूल खास करके जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई है उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ये, और इलेक्ट्रिक हैवी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक का जो काम करते हो या कोई भी वायरिंग के रिगार्डिंग कोई भी काम करते हो उनको ये बहुत ही उपयोगी टूल्स है। और हमने कोशिश की है कि पूरा रेंज आपको बताएं छोटे से लेके बड़े तक का, और अगर इसमें कोई चीज़ घटी हो या कोई जो समझाने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दें, क्योंकि हमारे लिए भी ये टूल्स पूरे नए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखें। और ये सारे टूल्स आपको किंग टूल सूरत जो रिलीफ होटल के सामने है, स्टेशन रोड सिनेमा रोड के ऊपर आपको मिल जाएंगे। एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन के अंदर आप जाके हमारे चैनल के जो दूसरे वीडियो है वो भी जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल काम के लिए जो क्रिम्पिंग टूल है उसको हम थोड़ा साइड पर कर देते हैं और सबसे पहले छोटे काम से हम शुरू करते हैं। छोटे के अंदर जैसे मैं आपको बता दूं, ये जेंसन कंपनी की एक प्लायर है जो कि एक क्रिम्पिंग टूल है,
और ये टूल की जो सबसे बड़ा इसका यूजेज है ये वायरिंग और इलेक्ट्रिशियन और जो कार के जो वायरिंग करते हैं उनके लिए सबसे खास है, क्योंकि हमारे जो कार के वायरिंग अब जो नई मॉडल की जो गाड़ियां आ रही है उसके अंदर हर चीज़ बहुत अच्छे से पैक की हुई होती है वायरिंग की, तो उसके अंदर जो क्लिप्स आती है क्लिप्स, वो क्लिप को आपको सही से उसको क्लिप को उसके अंदर डालना पड़ता है और फिर उसको सही जगह पर उसको पुश करना पड़ता है, उसको प्रेशर देके उसको लॉक करना पड़ता है। तो ये जो क्रिम्पिंग टूल है इससे क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे एक तरफ से वायर डाल देंगे और एक तरफ से वो पिन डाल देंगे या लॉक डाल देंगे या उसकी जो पिन है कनेक्टर्स है या अगर हॉर्न के अंदर जैसे हम लोगों नॉर्मली जो पिन होती है, मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा आगे, तो जो वाली पिन होती है वो पिन आप अगर डालेंगे और इसको पुश करेंगे तो क्या होगा कि वो पूरा एकदम जकड़ लेगा आपस में और कंप्लीट वो फिर उसको आपको वो दांत से छील के ऐसे ऐसे घुमाना नहीं पड़ेगा और टेप मारना नहीं पड़ेगा, वो कंप्लीट फिटिंग हो जाएगा। तो ये जो टूल है ये देख सकते हैं कि ये मैं पूरा इसको पुश नहीं कर रहा हूँ, इसमें कैसा है यहाँ पर लॉक है, ज़्यादा पुश कर दिया तो लॉक रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद ये पूरी खुल जाएगी, उसके अंदर आप जो भी लॉक करना है वो यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे पूरी मेटल की बनाई हुई पकड़ है ये टूल है और यहाँ पे पीछे इसके दांते दिए हुए हैं, दांते के अंदर ये धीरे धीरे लॉक होता जाएगा। देखिए अभी ये इतना लॉक हुआ, उसके बाद इतना लॉक हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फिर ये ज़्यादा लॉक हुआ, फिर ये ज़्यादा लॉक हुआ और ऐसे ही करते करते ये कम्प्लीट लॉक हो जाएगा, तो आपका टूल यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा वायर और पिन। और पीछे ग्रिप्स अच्छी आ जाए उसके लिए यहाँ पर पूरा रबर का हैंडल दिया हुआ है और अगर आपको इसको रिलीज़ करना है तो रिलीज़ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है, ये लॉक यहाँ से ये लॉक आपका रिलीज़ हो गया और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास ये इसकी तो थोड़ी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं तो ये 0.5 mm मतलब 1 mm से भी कम, आधा mm 0.5 mm से लेकर 6 mm तक की ये पिन को कंप्लीट वो क्रिम कर सकता है और इसका जो वजन है 400 ग्राम की पकड़ है, बहुत ही हैवी मटेरियल की ये पकड़ बनी हुई है और इसकी जो कंपनी की MRP है वो 610 रुपये है, तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अब मैं क्रिम्पिंग टूल के अंदर ही और एक टूल लेके आऊँगा, प्राइस इसका जो भी रहेगा वो मैं फाइनल प्राइस में मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है किंग टूल का उसका आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं। अब ये दूसरी जो हमारे पास टूल है ये प्रोकट की है। अब ये जो प्रोकट के अंदर आप देख पा रहे हैं ये दोनों के अंदर फ़र्क है, ये जो प्रोकट की है ये क्या है कि ये जो मेटल की जो रिंग होती है उसको ये क्रीम करने के लिए टूल है, तो यहाँ पे अलग अलग शेप के आपको दिए हुए हैं, साइज़ देख लीजिए, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है और इसको करने के लिए भी वही सेम प्रोसीजर आपको इस्तेमाल करना है। आरजी टाइप केबल के अंदर ये आपको आराम से काम लगेगा और इसको भी हेक्साकोनल टाइप का ये क्रीम करेगा इसको और ये भी क्रीम करना बहुत ही आसान है। पहले आप इसको लॉक कर देना है वायर रख के, फिर धीरे धीरे आप इसको जैसे ही प्रेशर देते जाएंगे ये लॉक होता जाएगा और लास्ट में ये पूरा लॉक हो जाएगा। अगर आपको ये पकड़ वापस इस्तेमाल करनी है तो इसको वापस से आप इसको लॉक को छोड़ेंगे तो ये चाक पूरा खुल जाएगा कम्प्लीट आसानी से, देख सकते आप। कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी आपको आइडिया आ जावे। इसका बेस ब्रॉड है, ये ऐसे करके भी आपको मैं दिखा दूँ एक बार तो आपको पता चल जाए किस तरीके से ये काम करता है। प्रो कट का ही है, इसका भी प्राइस नेगोशिएबल रहेगा, आप प्राइस के लिए फ़ोन कर सकते हैं किंग टूल्स के अंदर। चलिए दोस्तों, ये तीन मैंने आपको क्रिम्पिंग टूल्स की पूरी डिटेल बता दी, वीडियो का डेमो भी मैं आपको बता दूंगा और ये जो सबसे बड़ा वाला है ये 300 mm तक की इसकी कैपेसिटी है और ये भी हेक्सागोनल शेप के अंदर आपका क्रिम करके आपको क्रिम करा सकता है। देखिए मैं जो 300 mm का जो आपका एक हेक्सागोनल शेप बनेगा ये ज़्यादातर आपको जो इलेक्ट्रिशियन बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक का जो काम होता है उसके अंदर आपको यूजिंग में आएगा और ये उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको काम देगा। अब ये जितना बड़ा इसका जो डायमीटर है उतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये वाला जो क्रिम्पिंग टूल है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये पूरा हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है। पहले मैं आपको एक बार बता दूं, ये ऑन ऑफ की यहां पर स्विच दी हुई है, इसको मैं ऑन की तरफ घुमा दूंगा तो ये ऑन हो चला गया। यहां पे देखिए ये पीछे अंदर की तरफ हाइड्रोलिक इसका मूव हो गया। अब मैं इसको मैंने ऑफ कर दिया इसका हाइड्रोलिक, अब मैं इसको प्रेशर दे रहा हूं तो देख सकते हैं आप ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, देख लीजिए आप पूरा जॉइंट हो गया ये
अब ये जितना आप प्रेशर देंगे उतना ये इसे ताकत से इसको प्रेस करेगा और केबल और इसके अंदर जो क्लिप होगी वो दोनों जो इसकी जो क्लिप होती है वो कंप्लीट उसके अंदर आ जाएगी। और एक बॉल पेन भी है, वो मैं आपको एक बार उसके अंदर लगा के बता दूं ये किस तरीके से काम करता है। सपोज हमने इस तरह से केबल लगा दिया, केबल हमने इसको यहाँ पर लगा दिया और अब मैं इसके अंदर इसकी जो डाई है वो 300 mm तक की है, मैं आपको डाई भी लगा के बताऊंगा, देख लीजिए आप। कंप्लीट हो गया, ये पूरी जाम हो गई है बॉल पेन, आप देख लीजिए कंप्लीट हो गई। इसको मैं एक बार रिलीज करके बता दूं आपको, देखिए बॉल पेन के अंदर पूरा हेक्सागोनल शेप टाइप पूरा बन गया है, बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं। इसी तरह ये केबल वगैरह भी पूरा इंसुलेट कर देगा और उसके ऊपर आपको अगर कोई भी मेटल की क्लिप लगानी होगी वो आपको क्लिप लगा पाएंगे। और इसका जो अंदर का जो इसकी डाई बोलते हैं इसको डाई, इसको निकालना भी बहुत आसान है, ये कोई आटे और कोई इसके अंदर वर्म वगैरह नहीं है, आपको इसको सिर्फ खींच लेना है, ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और ये इसके अंदर लगी हुई है 16 नंबर की डाई है, 16 नंबर की डाई को हम साइड पर रख देंगे और बॉक्स के अंदर दी हुई 300 mm की डाई है, वो सबसे बड़ी डाई है, वो 300 mm की जो डाई है उसको अंदर लगा देंगे, ऐसे करके लगा दिया और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया और ये हो गया कंप्लीट। लॉक सिस्टम है, अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको इसको निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, वापस आपको डाल देना है तो ये लॉक हो जाएगा। और इसी तरह आप पूरी इसको फॉलो करेंगे, हाइड्रोलिक को ऑफ करेंगे जी, प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। हाँ, प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा केबल का काम होगा और इसके अंदर सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है, यहाँ पर आपको अगर शॉक वगैरह नहीं लगे उसके लिए यहाँ पे रबर का एकदम जाड़ा ग्रिप दिया हुआ है, ये अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ। पूरी मेटल बॉडी है और पूरी ताकत लगा देंगे तो ये कंप्लीट इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, देखिए। अब मैं इसको रिलीज करूँगा तो ये रिलीज भी हो जाएगा, देखिए अपने आप ही अंदर चला जाएगा, आपको कोई भी हाथ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अंदर चला गया। सिंगल कास्टिंग बॉडी से बना हुआ है। हाँ, सिंगल कास्टिंग बॉडी से बना हुआ है, निकालना बहुत आसान है और ये जो हमारे जो बड़े जो इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। और इसके अंदर डाई की बहुत बड़ी रेंज दी हुई है, देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 300 mm, 25 mm, 16 mm की इसके अंदर दी हुई है, वो वापस मैं इसको लगा देता हूँ, देख लीजिए आप। फिर भी मैं स्पेसिफिकेशन आपको पूरी बता दूंगा इसकी, मॉडल नंबर है YQK, इसका मॉडल नंबर है YQK 300A, जो इसका मतलब है 300 का कि सबसे में बड़े में बड़ा इसका 300 आएगा और 16 mm से शुरू होकर 300 mm तक ये जाएगा, 5.5 kg का इसका वजन है ये पूरे टूल का और बहुत ही बढ़िया उपयोग में ये आएगा, एकदम हैवी क्वालिटी का हाइड्रोलिक पिलास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल, हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल्स। तो यहाँ पर देख सकते सारे नंबर दिए हुए हैं, 35 नंबर, 50 नंबर, 70, प्लास्टिक का बहुत ही बढ़िया केस दिया हुआ है, अगर आपको इसको सही से कहीं पर रखना भी है तो भी आप आराम से इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेफ्टी बहुत अच्छी है इसके अंदर और सारे जो इसके जो डाई है वो भी पूरे के पूरे सेफ्टी से रहेंगे आपके, वो भी कंप्लीट दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। और इस प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर चाहिए तो किंग टूल सूरत का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा। पूरे इंडिया के अंदर हम ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, रोज़ाना हमारे 5 से 6 पार्सल डिलीवरी हो रहे हैं और आप हमारे बेफिक्र होकर आपका पेमेंट कर सकते हैं, आपको अपना माल जो भी आपने व्हाट्सएप के माध्यम से बताया होगा वो आपको मिल जाएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से 100% तरीके से आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।